अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सामा फ़याज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोजेक्शन टॉकिंग डिजिटल अलार्म क्लॉक का रिव्यू। यहाँ पर आप क्लॉक को देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी क्लॉक है। इसके हाइलाइटेड फीचर्स आपको आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पर आप क्लॉक को देख सकते हैं, एक बहुत ही कमाल की क्लॉक है। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स दिए जाते हैं, आपने शायद ही इससे पहले ये क्लॉक देखी हो। इसमें आपको जो मेन हाइलाइटेड फीचर्स मिलता है वो इसका प्रोजेक्टर लेंस है, जिससे आप इसके टाइम को आप प्रोजेक्टर के ज़रिए किसी भी दीवार या अपने रूम के छत पर नाइट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर मैं इसके इस कंपार्टमेंट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको तीन छोटे सेल्स ज़रूरत होंगे इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सेल्स होते हैं छोटे, हम इसमें जल्दी से डाल लेते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पर मैंने तीन सेल्स को डाल लिया है और इसका साउंड भी प्ले हो चुका है। इसको मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, इस कंपार्टमेंट को बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले आ चुका है और ये ब्लिंक कर रहा है क्योंकि मैंने इसके मोड के ऑप्शन पर क्लिक किया था। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ऊपर से प्रोजेक्टर भी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसमें डिजिटल LCD डिस्प्ले ही मिलता है और आपको प्रोजेक्टर का भी डिस्प्ले मिल जाता है जो आप रात को छत पर देख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की क्लॉक है। यहाँ पर हम इसका टाइम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल से टाइम चेक कर लेता हूँ, अभी क्या टाइम हुआ है। तो 12:05 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हम मोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लिंक आ रही है और इसके बाद यहाँ पर आवर का एक बटन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आवर्स नेक्स्ट होंगे और मिनट्स पर क्लिक करेंगे तो मिनट्स आगे चलेंगे। यहाँ से मैं मोड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, हमने मिनट्स को आगे करना है तो ये साथ साथ बता भी रही है। हम 5 पर ले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12:05 बज चुके हैं। हम इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देना, ये खुद ब खुद इसे सेट कर लेगा। तो यहाँ पर 2 मिनट वेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने सेट कर लिया है। इसके बाद आपको नीचे ये फॉरन हाइट में टेम्परेचर बता रहा है, आप इसे भी सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपने इस आवर के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल्सियस में जा चुका है। अब आपने इसमें अलार्म को सेट करना है तो आप इस मोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा, ये टाइम को सेट करने के लिए बताएगा, आपने फिर क्लिक करना है और ये AL ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपने आवर को आगे कर सकते हैं, ये साथ में आपको बताएगी कि अभी क्या आपने सेट कर रहे हैं। आप मिनट्स पर क्लिक करेंगे तो मिनट्स आगे जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। तो हम सिंपली ऐसे इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसे सेट कर लिया है। और एक और चीज़ के बाहर कंट्री में कुछ लोग 24 आवर्स में से रखते हैं, तो आप इसको आवर वाले बटन के नीचे देख सकते हैं कि 12 एंड 24, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 006 हो चुके हैं जो कि अब ये 24 आवर्स में जा चुकी है। आप इसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये 12 आवर्स में आपको टाइम बताएगी। अब जाते हैं इसके मेन हाइलाइटेड फीचर्स पर, जो कि इसका ये प्रोजेक्टर लेंस है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं ताकि ये बंद हो सके। अब देखें, इसकी लाइट्स ऑफ हो गई हैं। आप जब नाइट में सो रहे होते हैं या नाइट में टाइम देखना चाहते हैं, सिंपली आपने एक दफ़ा इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है, ये ऑन होगी, ये ऑन होगी और साथ में आपको टाइम के साथ साथ आपको सेल्सियस टेम्परेचर में भी बताएगी जो अभी आपने सेट किया हुआ होगा। अब मैं लाइट्स को ऑफ करता हूँ और आपको इसके प्रोजेक्टर लेंस का टाइम दिखाता हूँ कि ये किस तरह आपको नाइट में व्यू देती है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने लाइट्स को ऑफ कर लिया है। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा इस क्लॉक के ऊपर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑन हो गई है, टाइम के साथ इसने टेम्परेचर बताया और ऊपर प्रोजेक्टर की लाइट से दीवार पर जो लाइट पड़ रही है उसमें आपको टाइम
देख सकते हैं ये टाइम 12:09 हो चुके हैं और इधर क्लॉक पर भी आप देख सकते हैं। आप इसे नीचे रखें तो ये आपके छत तक आराम से ये प्रोजेक्टर पहुंच जाते हैं। यहाँ से मैं ऊपर भी लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल को नीचे और क्लॉक को भी नीचे रखा है और जो प्रोजेक्टर की लाइट है वो छत पर पड़ रही है। इस तरह से आप टाइम को देख सकते हैं नाइट में। ओके फ्रेंड्स, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको Daraz.pk से 1500 से 1600 के दरमियान आपको मिल जाती है विदाउट डिलीवरी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।